नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जो सीधा आपसे सरोकार रखता है। जी हां, हम इस कार्यक्रम में सरकार के उन फ्लैगशिप प्रोग्राम की समीक्षा करते हैं जिसे सरकार ने आपके लिए शुरू किया है। सरकार का यह प्रयास आप तक पहुँचा या फिर नारेबाजी बनकर ही रह गया, इसे हम नहीं बल्कि आपको ही तय करना है। आज के एपिसोड में हमने नोटबंदी को शामिल किया है। इसकी शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से। नोट बदली के एक साल, फैसला गलत था या सही? एक साल बाद भी असमंजस बरकरार। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आठ नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री ने जब यह ऐलान किया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। अगले दिन से बैंकों में लंबी कतारें लगने लगी। दिन ब दिन ये कतारें कम होने के बजाय बढ़ने लगी। आलम यह हुआ कि बैंकों में कतार में खड़े लोगों की मौत होने लगी। करीब 100 लोग सरकार के इस फैसले की भेंट चढ़ गए। ये मंजर देखकर हाथ पैर तो सरकार के भी फूल गए। सरकार नियम में बदलाव करने लगी। प्रधानमंत्री मिन्नतें करते दिखने लगे, 50 दिन की मोहलत मांगने लगे। भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। 50 दिन निकल गए, कैश की किल्लत जरूर कुछ कम हुई, लेकिन सवाल इतने बड़े फैसले के मकसद को लेकर उठने लगे। इस सवाल से क्या हासिल हुआ? क्या काला धन वापस आया? आरबीआई के मुताबिक उसकी ओर से जारी हुए करीब 99% 500 और 1000 के नोट वापस आ गए। करीब 16,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला। हाँ, ये जरूर हुआ कि असंगठित क्षेत्र में 28% लोग बेरोजगार हो गए, GDP 2% गिर गई, यानी करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। नए नोटों की छपाई में 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। रियल स्टेट तो धड़ाम हो गया। रियल स्टेट के टर्नओवर में 50% की गिरावट दर्ज की गई। इन सब के बावजूद सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का अपना दावा है कि करीब 4 लाख करोड़ का काला धन सर्कुलेशन में आ गया, 99 लाख नए लोग टैक्स के दायरे में आ गए। सरकार का एक तर्क ये भी है कि हम कैश इकोनॉमी से अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ चले हैं। नोटबंदी को लेकर जो बनाए गए थे, लागू किया गया, जिस मकसद से किया गया, क्या आपको लग रहा है कि सरकार वो अचीव कर पाई है और ये देश की जो व्यवस्थाएं बनाना चाहती थी उसमें उनको सफलता मिली? देखिए, स्वाभाविक है कि एक ऐसा निर्णय लिया गया देश के लिए, जो इंदिरा गांधी ने ये कह दी थी कि मुझे ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना, और नरेंद्र भाई मोदी ने वो निर्णय लिया देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो स्वाभाविक है कि खट्टे मीठे अनुभव, लेकिन उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। लेकिन एक बात देखना पड़ेगा कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं, लोग कि बेरोजगारी बढ़ी है, ग्रोथ रेट कम हुए हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा आपको। आप जबरदस्ती मनवाएंगे? 6 करोड़ यहां एमएसएमई है, 2.6 करोड़ को मुद्रा ने लोन दिया, लोन देके रोजगार दिया, तो बेरोजगारी बढ़ी कहां? जिस पर चर्चा करनी चाहिए कि बेहताशा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जिनको नहीं दिखाई देता है वो विदेश में जाकर के बोलते हैं राहुल गांधी। देश में एमएसएमई सेक्टर ने 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, और जिनको है, हमने तो लाइव कई उद्यमियों से, कम से 10,000 उद्यमियों से लिया हूं। ये अफवाह विपक्ष का है। हमारी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। बिल्कुल, तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं उससे ही रोजगार मिलता, लेकिन इतना तो मानेंगे कि कुछ न कुछ ये जो तथाई हुआ है उसमें कुछ कमी हुई है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब कोई नया निर्णय होता है, उस निर्णय में, आज जीएसटी में हम हर तिमाही में कुछ न कुछ जनहित में सुधार करते जा रहे हैं,
हम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर कर रहे हैं, सरकार भी उसमें सहभागी है। डिमोनेटाइजेशन में भी कुछ तकलीफें हुई, लेकिन अब धीरे धीरे सब रास्ते पर आ रहे हैं, बैंक भी सुधर रहा है, बाजार में भी पैसे आ रहे हैं। इसलिए तकलीफ उनको हुई होगी बहुत ज्यादा जिनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में विफलता हाथ लगी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो। मंत्री जी, एक काला धन की बात कर रहे थे, काला धन क्या है, इससे डिमोनेटाइजेशन वापस आया? ये तो आप समीक्षा करें आया कि गया, लेकिन मुझे मालूम है कि काले धन आया और नहीं आया तो आज उन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जिन लोगों का पैसा सूची में दर्ज हो रहा है, पैसे बैंक में आए आ रहा है। देखिए, मेरा निवेदन है कि आप मीडिया से, आप मीडिया को तो लगता है केवल निगेटिव पूछते हैं, पॉजिटिव भी तो देखिए कि गरीब कितना, कोई गरीब कहा कि डिमोनेटाइजेशन में हमारा हक मारा गया? सर, हम सवाल पूछते हैं लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हैं, ये जनता की तरफ या विपक्ष की। मैं भी आपसे जनता की बात कर रहा हूँ, किसी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से पूछा, किसी फुटपाथ के लोगों से पूछा, आप पूछ रहे हैं उनसे जिनको चुनाव में नुकसान हुआ। ये राजनीतिक दल के लोग तो इसे दुखद मानते हैं, एक ऐसा निर्णय था जो आजादी के बाद कभी लिया नहीं गया, उस निर्णय को लिए तो थोड़े खट्टे मीठे अनुभव आए हैं, लेकिन ये सुखद रहेगा। सर, एक दो सवाल और, क्या आपको लग रहा है कि आगामी जो आने वाले समय है, डेढ़ साल या दो साल बचे हुए हैं, इसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव अच्छा पड़ेगा सरकार की ओर से कोई प्रयास? देखिए, स्वाभाविक है, अच्छे चीज के लिए ही तो निर्णय लिया जाता है। हम प्रधानमंत्री ने जो भी निर्णय लिया है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, वो निर्णय तो देश हित के लिए लिया गया है और उम्मीद है कि जनता के लिए हितकर होगा। ये क्यों विरोध कर रहे हैं इतना विपक्ष पार्टी, खासकर कांग्रेस की बात कर रहे हैं? अब ये तो वो ही बता सकते हैं ना, हम कहां जाने, उनको चुनाव में हार में वो तो कह रहे थे लोकसभा से लेके सदन से लेके बाहर तक कि जनता सबक सिखाएगी, जनता ने तो वोट दिया पूरा का पूरा, ये उनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन से आईसीयू में लोग चले गए, मैं कहता हूं उनका सोच आईसीयू में चला गया। आप उद्योग मंत्री हैं, आपको लग रहा है कि इससे रोजगार जो है सृजन होगा आपके? भाई देखिए, रोजगार सृजन के कई तरीके हैं, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी फिर मैं कहता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, सकारात्मक बातें भी कुछ होनी चाहिए। ये 2.6 करोड़ रोजगार नहीं मिला तो क्या हुआ? तो कभी तो आप पूछते नहीं है कि हां गिरिराज जी, 2.6 करोड़ को मुद्रा से मिला, तो ये भी पूछा कीजिए कभी। 9 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, क्या इससे सुधार की जरूरत है या फिर लग रहा था कि ये करने के बाद ही एक फायदा मिलेगा इसको, नहीं तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा? कौन चीज में पैकेज जो दिया गया है पूरे सुधार करने के लिए, जीडीपी को उठाने के लिए, किस चीज के लिए, ग्रोथ रेट को उठाने को कहां दिया गया? सरकार ने तो निर्णय लिया, किसको दिया? अपने सेक्टरों को दिया। मंत्री जी, गवर्नमेंट ने बैंकों को रिहाय करने के लिए एक पैकेज दिया है, उससे लेकर क्या लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के जो प्रभाव है उसको कम होगा? देखिए, स्वाभाविक है, बैंक अगर मजबूत होंगे, बैंक के पास पैसे होंगे तो आज फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा गरीबों के पास, उद्यमियों के पास, नौजवानों के पास, बेरोजगारों के पास, जब पैसे जाएंगे तो स्वाभाविक है जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। आपने देखा, सरकार का कहना है कि नोटबंदी देश हित में लिया गया फैसला है, लेकिन अब देखते हैं विपक्ष का क्या कहना है। नोटबंदी के एक साल हो गए हैं, सरकार ने जिस मकसद से नोटबंदी किया था, हालांकि उनका कहना है कि वो मकसद में कामयाब हुए हैं और जो भी उनके मुद्दे थे वो लगभग सफल हो रहे हैं, कांग्रेस इतना गुस्सा में क्यों है, क्यों लग रहा है कि ये नोटबंदी गलत है? देखिए, कांग्रेस गुस्से में नहीं है, कांग्रेस तो सिर्फ जनता की आक्रोश को जो है वो एक राजनीतिक पटल पर ले आने की कोशिश हम लोग ने किया है। हमारे आरोप सरकार से स्पष्ट रूप से तीन है। पहला है कि ये
इतिहास का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम था, पूरे काले धन सफेद हो गए। दूसरा, जनता को गुमराह करके सरकार ने कहा कि ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आंकड़े आप निकालेंगे तो यूपीए के सरकार में जितने काले धन उजागर हुए थे उससे तो कम उजागर इस सरकार ने किए, तो ये काले धन के खिलाफ से क्या लड़ाई हुई थी, यूपीए सरकार ज्यादा सफल थी काले धन को निकालने में। तीसरा, ये काम सिर्फ मोदी जी अपने उद्योगपति को सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि सस्ते में ऋण मिले, बैंक के पास पैसे रहेगा, और इसी मकसद से काले धन को सफेद करना, उद्योगपति को लोन पहुंचाना और देश को दिग्भ्रमित करना कि यह काले धन के खिलाफ लड़ाई है। जहां तक सरकार की जो कह रहे सरकार की बात है, उन्होंने कहा था कि हम काले धन पर लड़ाई कर रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और फर्जी नोट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। फर्जी नोट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फर्जी नोट तो चलते रहा, 2000 रुपए से तो और आसान हो गई, काले धन तो आए नहीं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात है तो वो तो वैसे कैश तो है वापस सिस्टम में आ गया है, अभी 93% कैश सिस्टम में वापस आ गया है। बैंक के अंदर जो है जितने भी काले धन के नोट, जो पुराने नोट थे, वो करीब 99% वापस आ गया। मैं एक आरोपण चाहूंगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि हवाला हुआ, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इस पर तो रोक लगी है, तो आप मानते हैं इस बात को? आप ये इतनी बड़ी दुष्प्रचार हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश जो है नक्सली क्षेत्र, नक्सली लोग के कब्जे में है, तो आतंकवाद कहां खत्म हुआ है? झारखंड के क्षेत्र में पूरी तरह से नक्सली लोग वसूली कर रहे हैं। हाँ, पुलिस के जो है, अब मोदी जी का नया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सिस्टम है कि नक्सली के साथ समझौता कर लें तो फिर कोई घटना घटेगी नहीं। उसी तरह से कश्मीर की स्थिति आप देख लीजिए, आजादी के, ये पहली बार है पिछले, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार है कि इतने जवान शहीद हुए, 700 से ऊपर जवान शहीद हुए। तो किस तरह से, तो ये तो एक मोदी जी का दुष्प्रचार है। नोटबंदी को एक प्रभाव देखें तो एक बेरोजगारी को लेकर हुआ है। क्या मानते हैं कि जो सरकार की तरफ से एक लक्ष्य तय किया गया था, इतने हम रोजगार देंगे, नोटबंदी इसमें कहीं न कहीं प्रभावित किया है इसको, या फिर सरकार अपने मकसद में आगे बढ़ रही है? लेकिन पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी से लोग, नौजवानों जो है प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, नोटबंदी के चलते हुए खास तौर से असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया है। और मोदी जी ने सुनिश्चित कर लिया है कि जो है ये असंगठित क्षेत्र को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अगले 20 साल और लग जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि उसके बाद किसानों, अब डीमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से किसान के ऊपर जो प्रभाव, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, किसान को जो है अपने दाम नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब अगर आप देख लीजिएगा कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गृहिणी परेशान है, आम जनता परेशान है। जी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो चल रहा है, विदेशी पैसे आ रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं, लक्ष्य खोले जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस पर जो जीडीपी पर जो कुछ नुकसान हुआ है उसके प्रभाव आगे आने वाले समय में पड़ेंगे? वो वही वर्ल्ड बैंक वाले सर्टिफिकेट के साथ मोदी जी घूम रहे हैं, वो मनमोहन जी के मजाक उड़ा रहे थे, बोलते कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट वगैरह के बारे में, अभी उसी सर्टिफिकेट ईज ऑफ बिजनेस के साथ पूरे दुनिया में जो है देश में प्रचार कर रहे हैं। मनमोहन जी ने कहा था 2% जीडीपी में गिरावट हुई, 2% हुआ, 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ जीडीपी में, 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये तो, और उसके अलावा इसके जो आगे का जो जिस तरह का जो नुकसान होने वाला है, क्योंकि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था बैठ गई है, और उसमें सबसे ज्यादा क्रूर शर्म की बात यह है कि ये जो हमला हुआ है ये गरीब पर हुआ है, किसान पर हुआ है, मजदूर पर हुआ है, जो समाज के सबसे जो है पीड़ित वर्ग हैं उन पर जो है मोदी जी ने एक जी बहुत बड़ा वार किया। आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय देखी, अब देखते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा जज आम जनता की राय क्या है। एक साल हो गया है नोटबंदी के जो परिणाम हैं उसमें कोई भी पहले से लेके अब तक में हमें कोई अंतर नजर नहीं आया है।
जो कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। लेकिन एक बात यह हुई कि नोटबंदी के बाद से लोगों का सरकार पर से कुछ विश्वास ऐसा उठ गया है कि कोई भी आदमी कुछ भी करने से पहले सोचता है, डरता है, विचारता है। गवर्नमेंट ने नोटबंदी करके जीएसटी ला के, जीएसटी के खिलाफ नहीं है, हम जीएसटी को लागू करने के खिलाफ हैं। कि जीएसटी को किस तरह से लाया गया, आज भी गवर्नमेंट जीएसटी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो जीएसटी को लागू करवा सके। व्यापार रुके हुए हैं, इस बार की दिवाली जो गुजरी है वो बिल्कुल उसमें कोई रौनक नहीं थी, कोई पैसे की तेजी नहीं थी, बिजनेस में कोई चाल नहीं थी। फायदा तो हमें लगता है कि सरकार को ही हुआ है, आम जनता तो बेचारी लाइन में खड़ी रह गई। मैंने किसी भी अमीर आदमी को बैंक की लाइन में खड़े नहीं देखा। और नोटबंदी को जो लॉन्च किया गया ना, वो तरीका गलत था, एकदम से लॉन्च कर दिया, कोई रेडी नहीं था। रेडी थे तो वो जानकार रेडी थे जो बीजेपी के अंदर जानकार थे, हमको तो ये लगता है। जनता के हक में कैसे है ये कोई वो सही एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैसे जनता के हक में। हमने तो ये सुना है कि पाकिस्तान से ट्रेन नोटों की भर के आ रही थी, फेक करेंसी की वजह से इसको बंद किया। हमने ये सुना है कि टेररिस्ट को फंडिंग हो रही थी, उसकी वजह से नोट को बंद कर दिया गया है। और सो मैनी मतलब वो हैं, लेकिन उसको फिर रोकने का फर्दर क्या किया वो हमें नहीं पता कि वो जो ट्रेन थी वो दोबारा नहीं आ सकती, पाकिस्तान की प्रिंटिंग बंद कर दी है इन्होंने, या क्या किया है। तो ये सब मतलब एक्चुअल मकसद क्या था वो नहीं हमें। फेवरेबल है जनता के हित में वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि फेवरेबल है, कैसे फेवरेबल है वो बता नहीं पाई। फाइनेंशियली नुकसान हुआ है सर, लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया, काम कम कर दिया, मार्केट में लोगों के पास पैसे ही नहीं है काम करने के लिए। कह रहे थे काला धन वापस आएगा, वो नहीं आता सर, ये तो बकवास है, काला धन वापस नहीं। नो तो ये इस तरह की बात सरकार कह रही थी सर, वो तो सब ब्लफ है, ये पैसे सर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों के अपने भी हैं, या तो इनके अपने ना हो तब तो वापस आए, जब इनके अपने भी हैं तो वापस कैसे आएंगे, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं सारी जनता को। काला धन वापस नो सर, नो, नोटबंदी नहीं होना चाहिए, ना इन्होंने तो अपने पैसे वाइट किए हैं, दूसरों के तो खराब कर दिए। जो लोग काला धन बंद सब बाहर आ गए, सब बैंक में जमा हो गया, हुआ नहीं फायदा। कोई चीज किसी अच्छे काम के लिए की जाती है, कुछों को फायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है। इसमें काफी को नुकसान भी हुआ है, नुकसान ज्यादा को हुआ है, फायदा कम लोगों को हुआ है। बंदी हुआ तो व्यापार दुकान ये सब बंद हो गए, वो तो ऐसे में रोजगार कम हो गया। अरे तो कोई टैक्स देना चाहता ही नहीं है गवर्नमेंट को, सब अपना ही पेट भरना चाहता है, तो इसमें बंद तो होना ही है। खुल के काम करे, खुल के टैक्स दे, कोई जरूरी नहीं था, सब व्यापार खत्म हो गए, मजदूर हो गए, मजदूरी भी नहीं मिल रही है। व्यापारी थे, पैसा कमाते थे, दो पैसे घर पे ले आते थे, बच्चों का रोटी अच्छी मिल जाती थी, आज तो वो भी नहीं है, बड़ी मुसीबत सी आ गई है। सोचा था कि बहुत अच्छा होगा, मोदी आया है, पर मोदी ने तो नोटबंदी करके एकदम गंगाल बना दिया। नोटबंदी का जो प्रोसेस था ये एकदम गलत है। पहले मिडिल क्लास या इकोनॉमी या जो जैसे मेरा भारत बहुत सीधा अनपढ़ वो है, उनको एक मौका देना चाहिए था, स्मॉल सेविंग स्कीम आनी चाहिए थी, आगे डिक्लेरेशन आ गई थी, अभी नहीं तो कभी नहीं जी, वीडिया स्कीम में आइए डालिए, तो लोग डालते थे हमें पकड़ ना ले, ये ना हो जाए। टैक्स देने से कोई नहीं डरता, लेकिन मैनिपुलेशन और जो उसका डिफरेंस है वो ओपिनियन पब्लिक पे थोपा गया है वो गलत है। वही सबको दिक्कत झेलनी पड़ी है पैसों के पीछे, किसी के पास है ही नहीं खाने के लिए, पैसे उस टाइम नहीं थे, तो फर्क तो पड़ा ही पड़ा है। कम क्या, वैसे जैसे था पहले खा रहे हैं, तब भी अब भी खा रहे हैं सब लोग, जनता तो वैसे है जैसे पहले थी वैसे ही है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। नोटबंदी हुई नहीं हुई वो एक बात अलग थी, पर मोदी जब से आया इसने बेड़ा गर्क कर दिया। नुकसान भी हुआ, कुछ फायदा भी होगा। नुकसान ही होगा, एकदम जो ट्रांजेक्शन है वो रुक गई, लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, लेट अस सी आगे क्या होता है, बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है अच्छा होगा। आम आदमी को जो सा है वो लाइनों में लगा है, कोई दूसरा आप कोई अच्छा बिजनेसमैन या अच्छे पैसे वाले कभी भी आप देख लीजिए लाइन में लगे या मिले,
ये कैसे उनके नोट चेंज हुए कुछ नहीं पता। बहुत नुकसान हुआ है, सारा बिजनेस एकदम ठप हो रखा है, अभी तक उठा नहीं है बिजनेस, नोटबंदी के अभी तक उठा नहीं है सारा बिजनेस। आप देखें मार्केट खाली पड़ी हुई है, नोटबंदी के बाद तो काम ही नहीं है, काम ही नहीं रहेगा मार्केट में। मैं कह रहा हूँ 25% काम नहीं रहेगा मार्केट के अंदर। दुनिया परेशान है, हाय तो बम अच्छी पड़ी है लेकिन काम नहीं है। बहुत परेशान हो रहे सर, बहुत मतलब अगर दुकानदारों को बोलो कि हमारी सैलरी बढ़ाओ तो वो कहते भैया काम करना है कर, नहीं तो निकल। बच्चे तलक मतलब परेशान हो रहे हैं, हमारे को खुद हमारा हम दिल अपने दिल से जानते हैं कि हमारे कितने परेशान चल रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई लोटों से। अभी क्या मालूम, अभी तो इफेक्ट लग रहा है धीरे धीरे, हक में है भी और नहीं भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो बाकी इसका असर बाद में पता चलेगा। अब GST की जब से शुरू हुई है तो लोग नंबर एक में काम कर रहे हैं ना, नंबर दो वाला नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम तो आ ही रही है। मोदी और कहता काम कर रहा लो, बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, जहाँ से आएगा वो वाइट है सारा। हमारा तो रोड का कैश डीलिंग का काम है, कैश डीलिंग का काम है, कैश कहाँ से लाए इतना, फिर चेक्स तो हो गए तो आप गाड़ियाँ एंड टू एंड नहीं दे सकते हो, इससे लॉस में जाते हैं, फिर इतनी इनकम है नहीं रोज की, फिर और बैठे हुए सारे खाली पूरा देखें। अभी तक तो नुकसान में ही है, बाद का पता नहीं क्या होगा इसका। जी बिल्कुल, वो सेल है ही नहीं किसी काम की भी, गोल्ड पे और सिल्वर 3% बहुत ज़्यादा GST है, कम करना चाहिए GST लगा रहे, अगर 1% तो 1.5% कर दे, 3% डबल तीन गुना कर दिया, उससे तो बहुत ज़्यादा फर्क है ना उसका। यहाँ पहले टैक्स अगर 1,00,000 की सेल पे 1,000 रुपये का, अगर 3,000 रुपये कराना पड़ता है टैक्स, कस्टमर 1,00,000 की चीज़ खरीदता है उसको 1,000 रुपये देना पड़ता था पहले, अब 3,000 रुपये देना पड़ता है, तो इसलिए सेल कम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष और आम जनता की राय, अब फैसला आपको करना है। लेकिन इतना तय है कि इस नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार प्रभावित हुए हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए। चलिए अगले सप्ताह फिर एक मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।